में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज शाम में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। रात 8 बजे राजीव भवन में हो सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। मंत्रिमंडल में 3 नेताओं को किया जा सकता है शामिल। राजेंद्र शुक्ला, गौरी शंकर बिसेन, राहुल लोधी ले सकते हैं शपथ। महाकौशल विंध्य और महाकौशल क्षेत्र को मजबूत करने की कवायद अब तेज हो गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। आज रात 8 बजे ओथ सेरेमनी हो सकता है। मंत्रिमंडल में 3 नेताओं को जगह दी जा सकती है। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी शपथ ले सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज शाम हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और देखिए टाइमिंग्स भी निकलकर सामने आई है। रात 8 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी, ये 3 नाम ऐसे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि ये तीनों शपथ ले सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि महाकौशल को साधने की कोशिश की जा रही है, तो बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे सरकार की तरफ से की जा रही है। इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। रात 8 बजे राजभवन में ओथ सेरेमनी। तो राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी शपथ ले सकते हैं। तो छन छन कर ये खबर निकलकर सामने आई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तो आज शाम में विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर। कौन है गौरीशंकर बिसेन? बालाघाट से 7वीं बार बीजेपी के विधायक है। छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे हैं और साथ ही साथ 1985, 1990, 1993 और 2003 में विधायक बने हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं और किसान कल्याण और साथ ही साथ कृषि विकास के मंत्री भी रह चुके हैं। 1971 में ग्राम हितकारिणी समिति के अध्यक्ष बने थे और 1998-2004 में लोकसभा के सदस्य भी चुने जा चुके हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के 3 बार के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब राजेंद्र शुक्ला कौन है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। रीवा से 4 बार के विधायक है। राजेंद्र शुक्ला विंध्य अंचल में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है और 2003 में पहली बार विधायक बने थे राजेंद्र शुक्ला। और राजेंद्र शुक्ला पहले भी एमपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। रीवा से 4 बार के विधायक है राजेंद्र शुक्ला। देखिए हम बता रहे हैं कि कौन नेता कहां से आता है, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। 2003 में पहली बार विधायक बने थे राजेंद्र शुक्ला और मंत्री भी रह चुके हैं पहले एमपी सरकार में। शिखिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शिखिल, मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है। बाकायदा टाइमिंग भी निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से और नाम भी हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि किस नाम पर मोहर लग सकती है। देखिए निश्चित तौर पर काफी विचार मंथन के बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि अब मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो हो सकता है और आज शाम लगभग 8 बजे ये विस्तार हो सकता है। ये वही समय है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल की ओर रवाना होंगे। फिलहाल वो दौरे पर है। इतना ही नहीं बल्कि जो नाम सामने आ रहा है उसमें देखा जाए तो जो विचार मंथन हुए, चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत कर लें और इसके अलावा जो प्रदेश संगठन की जो विचार मंथन हुए उसके बाद इनको साधा गया। समीकरण जिस प्रकार से बन रहे थे, 4 सीटें खाली जिनमें 3 भरे जाना है, एक रिजर्व होने की बात पहले ही सामने आ चुकी थी। वो 3 जो नाम है उसमें महाकौशल को मजबूत करने की बातचीत की गई है, बुंद को मजबूत करने की बातचीत की है और सबसे बड़ी बात बुंदेलखंड को मजबूत करने की बातचीत कही गई है। अगर हम देखते हैं यहां पर तो जो बालाघाट से विधायक है, यह क्षेत्र जो है गौरीशंकर बिसेन का क्षेत्र जो बालाघाट है, वो कहीं ना कहीं महाकौशल पर एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। यहाँ से मंत्री बनेंगे, पहले भी एक अनुभव गौरीशंकर बिसेन का मंत्रिमंडल का रह चुका है, काफ़ी सीनियर लीडर माने जाते हैं। इसके अलावा हम विंध्य की बातचीत करते हैं तो विंध्य में जो रीवा क्षेत्र में खासा वर्चस्व राजेंद्र शुक्ल का है, खनिज मंत्री रह चुके हैं और 4 बार के विधायक। और सबसे बड़ी बात यह है कि विंध्य को लेकर अक्सर अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहे, एक बड़ा चेहरा विंध्य से आते हैं। यह वही विंध्य जहां पर मजबूती की आवश्यकता है और वहीं अगर दूसरी ओर बातचीत की जाए, सबसे महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि पहली बार के विधायक जो है वो माफ कीजिएगा, पहली बार मंत्री जो है वो लोधी जो है वो बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उमा भारती के भतीजे जो हैं
वो है। और सबसे अहम बात भी ये सामने आ रही है कि लगातार जिस प्रकार से उमा भारती अपनी बातों को लेकर मुखर रहे थे और इसको लेकर भी उनकी जो बयान सामने आते हैं, ट्वीट सामने आते हैं, चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो, नशा मुक्ति को लेकर हो, तमाम मामलों को लेकर ऐसे भी कई बार सामने आए हैं मामले की उन्होंने कई बार अपनी सरकार को घेरा। और इसी को लेते हुए जो लोधी वोट का जो वर्चस्व टीकमगढ़ में आता है, खरगापुर के विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं एक समीकरणों के आधार पर लग रहा था कि एक चुनौती साबित हो सकती है, लेकिन जो समीकरण केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जो तैयार किए हैं तीन मंत्रियों के, वो साफ तौर पर जो लोधी वोट बैंक है जो ओबीसी के अंतर्गत आता है और ओबीसी का जो सीधा रास्ता मध्य प्रदेश की सत्ता का निकलता है वो ओबीसी सीटों से ही निकलता है, ओबीसी वर्ग के मतदाताओं से निकलता है, सर्वाधिक मतदाता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा एक परफेक्शन यहाँ पर जमाया गया है, जो एक विसाद जमाई गई है, उसमें वोट बैंक को साधने की बातचीत कही गई है। टीकमगढ़ में जो सर्वे हुए थे और तमाम बातें सामने आई थी, बुंदेलखंड में जो लोधी वोट बैंक की बातचीत की जाए, ना सिर्फ शिखिल यहाँ पे देखिए वोट बैंक को साधने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन लगता नहीं कि थोड़ा सी देरी हो गई है? निश्चित तौर पर काफी देरी हुई है, क्योंकि जैसे ही सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ था उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दो बार में मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार किया जाएगा, लेकिन लगभग ये कयास जो रहे डेढ़ सालों से चलते रहे, क्योंकि अब चुनाव भी वक्त पास आ चुका है और कहीं ना कहीं सरकार जो है ना सिर्फ विभाग बल्कि मतदाताओं के आधार पर ज्यादा स्थापित करने की बातचीत कर रही है, उन पर ज्यादा फोकस है। और इसी के चलते जो अलग अलग क्षेत्रों को है उनको पावर दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है। देखिए मंत्री अगर बन भी जाते हैं तो क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो काम करने की अगर हम बातचीत कहें तो बहुत कम समय इन मंत्रियों को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी एक मैसेज बीजेपी के द्वारा, संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा ये जरूर जाएगा कि आखिर किस वर्ग के लेके आए हैं कैंडिडेट, आखिर किन्हें किया गया है। और साथ ही साथ जो नाराजगी की एक बातचीत कही जा रही थी, देखिए विंध्य के समीकरण एक अलग नजर आते हैं तो बुंदेलखंड के समीकरण, तो बिल्कुल शिखिल यहाँ पे नाराजगी दूर करने की कोशिश जरूर की जा रही है, मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इस मैसेज का कितना असर होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।